वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। तो आप सभी का स्वागत है इस पार्टिकुलर लाइव सेशन में जो कि डेली कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और टाइमिंग है इस पार्टिकुलर सेशन की 7 PM डेली ऑनवर्ड्स। तो आज का जो सेशन है वो पोल्स और कनेक्टर्स पर बेस्ड यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। देखिए, पोल्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है क्योंकि ये चैप्टर आपके हार्डवेयर के अंदर आता है, और आप जानते हैं कि हार्डवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं होता है कि हार्डवेयर में पोल्स। इसलिए ये एक ऐसा छुपा हुआ चैप्टर भी है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी गुड। तो यहां पर आज के सेशन में हम लोग पोल्स के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ कनेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब पोल्स और कनेक्टर में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, पोल्ट मतलब जो आपके सीपीयू के साथ, जो आपके कंप्यूटर के साथ में जो कनेक्टिंग डिवाइस होती है, जो कनेक्टर बेसिकली होता है, उसको हम लोग पोल्ट बोलते हैं। और कनेक्टर्स केबल के साथ में यूज होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो आपके कंप्यूटर्स के साथ में जो लिंकिंग के लिए यूज हो रहा है वो पोल्ट है, और जो केबल के साथ में जो आगे की तरफ दिया रहता है और जिसको आप पोल्ट में इंसर्ट करते हैं वो बेसिकली क्या है, कनेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम पोल्स के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक इमेज दी गई है जहां पर मदर बोर्ड की एक फोटो दी गई है, और मदर बोर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोल्स के बारे में यहाँ पर कुछ झलकियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे सीपीयू स्लॉट दिया गया है मदर बोर्ड के अंदर, सीरियल पोल्ट गिवेन है, पैरेलल पोल्ट गिवेन है, वीजीआई ग्राफिक पोल्ट गिवेन है, यूएसबी पोल्ट गिवेन है, और नेटवर्क पोल्ट भी गिवेन है। इसका मतलब ये वो हार्डवेयर पोल्ट्स हैं जो आपके मदर बोर्ड से अटैच होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये पोल्ट्स बेसिकली कहाँ पर होते हैं, तो आंसर है ये पोल्ट्स बेसिकली जब आप किसी भी, या फिर आप पेन ड्राइव को अटैच करते हैं, या फिर आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को जब अटैच करते हैं, तो वो आपके मदर बोर्ड से कनेक्ट होती है वाया पोल्ट्स। इसका मतलब पोल्ट का काम क्या है, ये एक तरीके से इंटरफेस है जो आपके मदर बोर्ड से एक्सटर्नल मतलब पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर एक दूसरी इमेज है जिसके थ्रू यहाँ पर हम पोल्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सीपीयू के पीछे वाला पोर्शन अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो पोल्ट्स होते हैं वो यहीं पर गिवेन होते हैं। जैसे SMPS आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इस पूरे एरिया को जहाँ पर फैन लगा होता है उसे SMPS बोलते हैं, और CPU के पीछे जो फैन लगा होता है इसको CPU फैन या SMPS फैन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये CPU फैन भी हो गया, ये SMPS फैन भी हो गया। और फैन क्या करता है, यानी आपके सीपीयू के अंदर या कैबिनेट के अंदर आप कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा कैबिनेट है। तो कैबिनेट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को बाहर निकालने के लिए हीट सिंक का यूज भी होता है, और साथ ही साथ SMPS फैन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पावर इन यानी पावर सोर्स से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का यूज होता है, पावर पोल्ट का यूज होता है, PS2 पोल्ट, USB पोल्ट्स, DVI पोल्ट, HDMI पोल्ट, माइक पोल्ट, स्पीकर पोल्ट, LAN यानी ईथरनेट केबल या LAN केबल को कनेक्ट करने के लिए LAN पोल्ट, लाइन इन पोल्ट, और एक्सपेंशन स्लॉट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स। इतने तरीके के बेसिकली आपके पीछे की तरफ में CPU के बैक एंड तरफ में पोल्ट्स गिवन होते हैं। CPU के फ्रंट में भी आप देखेंगे वहां पर भी आपको कुछ बटन्स मिल जाएंगे, जैसे ऑन करने का बटन होता है। USB पोल्ट आजकल कंप्यूटर यानी CPU के फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कैबिनेट के फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कई सारे पोल्ट ऐसे भी होते हैं जो डुप्लीकेट करके
आगे की तरफ भी दिए रहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो आज का सेशन इन्हीं पोल्स पर बेस्ड रहने वाला है। डिटेल में हम एक एक करके आपको पोल्ट के बारे में समझाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सुनील जी, बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंप्यूटर पोल्ट्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो ये इसका काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करना, यानी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर पोल्ट्स को आईओ पोल्ट्स, इनपुट आउटपुट पोल्ट के नाम से भी जानते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट अगर हम हिंदी में बात करें, क्योंकि हिंदी में कई बार चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, तो हमने आपको हिंदी में भी यहां पर समझाने की कोशिश करी है। कंप्यूटर पोल्ट्स विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं, यानी कंप्यूटर पोल्ट क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब पोल्ट्स कहां से कनेक्ट होते हैं, तो फिर से एक बार बता दें कि ये मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर उठता है, सर पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? तो आप जानते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब वो डिवाइसेस, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस, चाहे वो इनपुट हों या आउटपुट डिवाइसेस हों, जो कंप्यूटर के आसपास होती हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। वो कीबोर्ड भी हो सकता है, वो माउस भी हो सकता है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसको हम कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, आगे बात करें। अब इंग्लिश में थोड़ा सा इसी बात को एक बार समझ के चलते हैं। तो पोल्ट्स आर स्लॉट्स ऑन दी मदरबोर्ड, यानी अगर इसको परफेक्ट टर्म में हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, पोल्ट्स एक ऐसे स्लॉट होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज होती है कि पोल्ट्स आर स्लॉट्स ऑन दी डैश, आंसर होगा ऑन दी मदरबोर्ड। अगला देखिए, अब ये जो पोल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, केबल की मदद से, यानी इन पोल्ट्स केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस प्लग्ड इन। तो केबल की मदद से, यहां पर कई बार हम लोग केबल भी यूज करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क के केस में साटा केबल, पाटा केबल का यूज होता है, यूएसबी के केस में भी हम लोग कई बार केबल्स का यूज करते हैं, बसेस का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब कि कई बार हम लोग पोल्ट्स को वाया केबल भी अटैच करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस के साथ प्लग इन करने के लिए। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच वाया पोल्ट्स आर, एक्सटर्नल कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पोल्ट के साथ में कनेक्ट होती हैं, माउस कनेक्ट हो सकता है, या अभी जो मैंने बताया पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आपके पोल्ट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वेरी गुड, देखिए यहां से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जो भी चीज आपको नई लगे और ना पता हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए पोल्ट्स के टाइप के बारे में अगर हम डिवाइड करें तो पोल्ट्स आपके दो तरीके के होते हैं। देखिए अगर हिंदी में अगर हम पोल्ट के बारे में आपको बताएं तो हिंदी में पोल्ट को किनारा भी कहा जा सकता है ना, कई बार हम किनारे के लिए पोल्ट्स का यूज करते हैं, कई बार बंदरगाह जैसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम लोग पोल्ट्स का यूज करते हैं, यानी जहां पर शिप होती हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्ट बोलते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर हम बात करें तो यानी एंटर करने के लिए कंप्यूटर या हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट करने के लिए पोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरीके का किनारा है, क्योंकि आपने देखा कि सीपीयू के या लैपटॉप के आप देखते हैं कि ये साइड में गिवन रहते हैं पोल्ट्स, है ना, तो बिल्कुल इसलिए इसको हम किनारा भी कह सकते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, पहला है वर्चुअल पोल्ट। वर्चुअल मतलब एक ऐसा पोल्ट जो आपको दिखता नहीं है, और इसका यूज हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं। तो नेटवर्किंग में भी आप लोग ने देखा होगा कि कई बार हम लोग पोल्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपके घर के दरवाजे होते हैं जहां से कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी इंसान जा सकता है, वैसे ही नेटवर्किंग में भी पोल्ट्स का यूज होता है सिग्नल को इन और आउट करने के लिए, यानी डेटा को इन करने के लिए और डेटा को आउट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल पोल्ट्स। अब इसके बारे में देखते हैं कि करके, वर्चुअल पोर्ट्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट एप्लीकेशंस,
यानी दो अलग अलग एप्लीकेशंस को देखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग वर्चुअल पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्चुअल पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी नेटवर्किंग। आप लोग जानते हैं कि नेटवर्क में जितना भी हम लोग काम करते हैं वो टीसीपी आईपी की मदद से करते हैं। किस प्रोटोकॉल से करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से हम लोग कोई भी डेटा को फॉरवर्ड यानी भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो मेन प्रोटोकॉल है वो है आपकी टीसीपी आईपी। टोटल पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 65,535 पोर्ट्स आपकी नेटवर्किंग में देखे जाते हैं। बहुत सारे पोर्ट होते हैं क्योंकि नेटवर्किंग में हर एक काम को करने के लिए एक पोर्ट को रिजर्व कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, क्या 65,535 इन सभी पोर्ट्स को याद करना जरूरी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 10 ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और ये पोर्ट कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। पहला है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप अपने कंप्यूटर से फाइल को सर्वर पर भेजते हैं या सर्वर से फाइल को अपने कंप्यूटर पर लेते हैं, इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो प्रोटोकॉल कौन सी है? FTP है, और इसका पोर्ट नंबर है 21। फिर है टेलनेट, जो कि एक रिमोट प्रोटोकॉल है, और इसका पोर्ट नंबर है 23। फिर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज मेल ट्रांसफर के लिए किया जाता है, और इसका पोर्ट नंबर है 25। फिर है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो बेसिकली IP एड्रेस को DNS में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसका यूज URL के फॉर्मेट में किया जाता है। तो इस DNS का पोर्ट नंबर क्या होता है? 53। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये सर्वर और क्लाइंट के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर को रिजर्व करता है। सर्वर के लिए होता है 67 और क्लाइंट के लिए होता है 68, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। HTTP 80 पोर्ट नंबर पर काम करता है, POP 3110 पर काम करता है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 143 पर, और HTTPS मतलब SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के फॉर्म में 443 पोर्ट नंबर पर काम करता है। क्लियर है यहां तक? तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग में पोर्ट का क्या मतलब होता है। एंटर करना और आउट करना, तो डेटा को रिसीव करना और डेटा को भेजने के लिए हर एक काम को करने के लिए नेटवर्किंग में पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई बात वर्चुअल पोर्ट की। दूसरे तरीके का जो पोर्ट यूज होता है वो है आपका फिजिकल पोर्ट, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, जो आपकी कैबिनेट के साथ में, जो मदरबोर्ड के साथ में अटैच होते हैं, वो होते हैं आपके फिजिकल पोर्ट, है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में। यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट हार्डवेयर, दो अलग अलग हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल पोर्ट का यूज किया जाता है। जैसे पेन ड्राइव एक अलग हार्डवेयर है और आपका कंप्यूटर एक अलग हार्डवेयर है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट का यूज करेंगे, है ना। तो अलग अलग हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा है इट विल अवेलेबल फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द CPU, ये CPU के फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में अवेलेबल हो सकते हैं। पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, और पोर्ट किससे कनेक्ट होता है? तो आंसर है मदरबोर्ड से ये कनेक्ट करता है। वेरी गुड। तो यहां तक आपको ये समझ में आ चुका है कि पोर्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक वर्चुअल और एक फिजिकल। वर्चुअल पोर्ट्स के बारे में नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में माना जाता है, और वहां आपने 10 नेम्स देखे अलग अलग प्रोटोकॉल में। अब हम यहां पर बात करना शुरू कर चुके हैं फिजिकल पोर्ट के पहले पोर्ट पर, और ये है आपका पैरेलल पोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, व्हाट इज पैरेलल पोर्ट? एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेलल पोर्ट से और सीरियल पोर्ट से। आपके सामने एक CPU की इमेज दिखाई गई है बैक तरफ से, जहां पर पैरेलल पोर्ट किस तरीके से दिखता है ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है पैरेलल पोर्ट, लेकिन ये आजकल नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पैरेलल पोर्ट को पूरे तरीके से रिप्लेस कर लिया है USB के द्वारा। लेकिन पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते क्यों थे और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। वेरी गुड।
तो देखिए पैरेलल पोर्ट का यूज हम लोग प्रिंटर और स्कैनर के टर्म्स में करते हैं, यानी अगर प्रिंटर कनेक्ट करना हो पुराने समय में या स्कैनर कनेक्ट करना हो तो इस केस में जिस पोर्ट का यूज हम लोग करते थे वो था आपका पैरेलल पोर्ट। और एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज करते हैं, आंसर होगा पैरेलल पोर्ट। या फिर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि पैरेलल पोर्ट का यूज क्या कनेक्ट करने के लिए करते हैं, तो आंसर बनता है प्रिंटर। एक बार देखते हैं लाइन बाय लाइन। पहला ऑल्सो कॉल्ड ए सेंट्रोनिक्स पोर्ट, इसे सेंट्रोनिक्स पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेलल पोर्ट या फिर सीरियल पोर्ट कोई भी पोर्ट हो पुराने समय में तो वो आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाए गए थे और आईबीएम कंपनी ने सेंट्रोनिक्स के साथ में मिलकर इन पोर्ट्स को बनाया था, इसलिए इनको सेंट्रोनिक्स पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, यानी पैरेलल हो या सीरियल हो दोनों को सेंट्रोनिक्स पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने पिन का होता है, यानी ये जो पोर्ट है इसमें कितनी पिन्स गिवन होती हैं, तो आंसर है 25 पिन का ये पोर्ट होता है। ट्रांसमिट 8 बिट डेटा एट वंस, पैरेलल पोर्ट में क्या होता है ये एक साथ 8 बिट को ट्रांसफर करने में कैपेबल है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि बहुत फास्ट। जब हम बहुत फास्ट तरीके की पोर्ट की बात करते हैं या फास्ट तरीके के डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तब हम पैरेलल तरीके के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो हमेशा कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कॉन्सेप्ट में कि पैरेलल फास्टेस्ट है या सीरियल फास्टेस्ट है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा पैरेलल आपका फास्ट होगा और सीरियल वाला क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो 8 बिट डेटा जो है वो एक साथ ट्रेवल हो सकता है, तो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड काफी तेज हो गई इस केस में। अगला देखिए, कनेक्ट प्रिंटर एंड स्कैनर, यानी प्रिंटर हो या स्कैनर हो इसको कनेक्ट किया जा सकता है पैरेलल पोर्ट के साथ, लेकिन पुराने समय में एप्पल कंप्यूटर्स के लिए एक पैरेलल तरीके का ही पोर्ट बना जिसको पैरेलल पोर्ट ना कहकर SCSI पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो एप्पल कंप्यूटर्स के लिए भी पैरेलल कॉन्सेप्ट पर ही बना, लेकिन पैरेलल नहीं, इसे SCSI पोर्ट के नाम से जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि एप्पल कंप्यूटर्स में कौन सा पोर्ट यूज होता था, तो आंसर होगा SCSI पोर्ट। इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। रिप्लेस्ड बाई USB पोर्ट, और पैरेलल पोर्ट को या SCSI पोर्ट को, इन दोनों को ही रिप्लेस कर दिया है किसने, USB पोर्ट ने। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिएगा, अब हम बात यहां पर करेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में। तो पैरेलल पोर्ट आपको समझ में आ चुका है, अब सीरियल पोर्ट जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए सीरियल पोर्ट की बात करें तो इसकी एक इमेज आपको दिखाई गई है, यानी पैरेलल पोर्ट किस तरीके से होता है और एज वेल एज सीरियल पोर्ट आपका किस तरीके से दिखता है और CPU में बेसिकली कहां पर होता है, इस इमेज से आपको एक आइडिया लग रहा होगा। अब एक और इमेज है जिसके थ्रू एक वाइड तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पैरेलल पोर्ट थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, इसकी केबल बड़ी होती है और सीरियल पोर्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या है, छोटा आपको दिख रहा है ना। तो इस तरीके से इसका कुछ आर्किटेक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरियल पोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में और एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आपने पैरेलल पोर्ट में देखा कि उसको सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी कहते हैं, वैसे ही सीरियल पोर्ट को भी सेंट्रोनिक्स कहा जाता है क्योंकि IBM और सेंट्रोनिक द्वारा इसको डेवलप किया गया है ना, पहला पॉइंट। और इसके साथ साथ सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कॉम पोर्ट का मतलब होता है कम्युनिकेशन पोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि कॉम पोर्ट्स कौन से होते हैं, तो आंसर है सीरियल पोर्ट जो स्लो होते हैं उन्हें हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं। आगे देखिए, ये कितने पिन का बना होता है, तो आंसर है ये 9 पिन का कनेक्शन है, ये 9 पिन के कलेक्शन से बना होता है। ट्रांसमिट, तो सीरियल का मतलब एक बिट एक समय पर ट्रेवल यहां पर होती है,
तो बहुत स्लो ये चलता है, तो 1 bit at a time, और जबकि पैरेलल के केस में क्या था, 8 bit at a time, है ना, ये डिफरेंस है। माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉडम हो या पीडीए हो, इन सभी डिवाइसेस को हम सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी मोटे तौर पर आपको ये याद रखना है कि प्रिंटर और स्कैनर को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं उनको सीरियल पोर्ट से ही कनेक्ट किया जाता था। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मॉडम के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस केस में याद रखिएगा आंसर होगा कॉम पोर्ट। इस केस में सीरियल पोर्ट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा कॉम पोर्ट, तो आंसर लगाइएगा कम्युनिकेशन पोर्ट मतलब कॉम पोर्ट। क्लियर है? तो माउस हो, कीबोर्ड हो, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी लैपटॉप को कनेक्ट करना हो, मोबाइल को कनेक्ट करना हो, या एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करना हो, या मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करना हो, या मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, है ना, तो इसलिए पीडीए का टर्म यहां पर यूज किया गया है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल पोर्ट। वेरी गुड। रिप्लेस्ड बाय, अगेन इट इज रिप्लेस्ड बाय यूएसबी पोर्ट, यानी पैरेलल पोर्ट हो या फिर सीरियल पोर्ट हो या फिर SCSI पोर्ट हो जो एप्पल के द्वारा बनाया गया, इन सबको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी के द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे तरीके का पोर्ट यहां पर आता है PS2 पोर्ट। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पोर्ट विच इज कॉल्ड PS2 पोर्ट। आप लोग ने पहले समय में देखा होगा कि माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए कुछ इसी तरीके से गोल टाइप का पोर्ट दिखता था जिससे माउस भी कनेक्ट होता था और कीबोर्ड भी कनेक्ट होते थे, और इनकी केबल भी कुछ ऐसे ही गोल तरीके की रहती थी और इनके कनेक्टर भी कुछ ऐसे ही होते थे, है ना, PS2 पोर्ट जिनको हम लोग बोलते थे। लेकिन आजकल अगेन PS2 पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है किसने, USB पोर्ट ने। तो बात कर लेते हैं कि PS2 पोर्ट है क्या और कैसे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1, PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम पोर्ट, यानी PS की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल सिस्टम, और पर्सनल सिस्टम में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का यूज किया जाता है। सेकंड, किसने डेवलप किया, तो अगेन सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है, IBM। सीरियल पोर्ट हो या पैरेलल पोर्ट हो या PS2 पोर्ट हो, इन सबको IBM के द्वारा ही डेवलप किया गया है, क्योंकि सबसे पुराने अगर कोई कंप्यूटर थे तो वो IBM के कंप्यूटर थे, और IBM ने अपने ही कंप्यूटर्स के लिए इन पोर्ट को डेवलप किया था। तो आंसर है डेवलप्ड बाय द IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऑर्गेनाइजेशन। कितने पिन के ये पोर्ट होते हैं, तो आंसर है सर ये 6 पिन के पोर्ट होते हैं, यानी इट कैरीज 6 पिन्स। आप देख भी सकते हैं, 2 ऊपर दी हुई हैं, 2 नीचे हैं और 2 साइड में हैं, टोटल 6 पिन्स का यूज किया गया है। वेरी गुड। रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, यूएसबी के द्वारा, बहुत क्लियर है। अब देखो यहां पर कलर वाइज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि PS2 पोर्ट का जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो आंसर है ग्रीन कलर वाला माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा जो आप इसके नियर अबाउट देख रहे हैं पर्पल कलर में, इसका यूज कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कलर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूएसबी में कई बार कलर से क्वेश्चन बनता है और पूछते भी हैं बहुत बार अलग अलग एग्जाम में। तो ग्रीन मतलब माउस और पर्पल मतलब कीबोर्ड, है ना, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए PK मूवी आई थी ना, है ना, तो उसी PK से याद रखिएगा कि पर्पल मतलब कीबोर्ड, और बाकी बचा GM जनरल मैनेजर, है ना, तो ग्रीन मतलब माउस, तो इस शॉर्टकट की से आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब बात करते हैं VGA पोर्ट के बारे में। अगला, अभी तक हम लोग कितने पोर्ट्स देख चुके हैं, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और PS2 पोर्ट। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ पोर्ट की, जिसका नाम है VGA पोर्ट। और अभी तक जितने हम लोग ने तीनों पोर्ट देखे वो तीनों ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यानी अब यूज नहीं होते, एज वेल एज VGA पोर्ट भी अब यूज नहीं होता है। तो इसका यूज हम लोग करते कहां पर हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं।
और ये दिखता कैसे है पहले इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आपके सामने अगेन एक सीपीयू की फोटो दी हुई है बैक साइड से, और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो टॉप से दूसरे नंबर पर गिवन है दैट इज योर वीजीए पोर्ट, यानी नीचे की तरफ ये दिया रहता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। इसका मतलब नाम से ही काफी कुछ क्लियर है कि वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो शो करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मॉनिटर, अगर आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है, मतलब वीडियो डिस्प्ले करनी है, तो इसके लिए जिस पोर्ट का यूज करते थे पहले समय में वो था आपका वीजीए पोर्ट। बात करते हैं इसके बारे में वन बाई वन। वेरी गुड। और इसकी फुल फॉर्म भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो पहले तो वीजीए की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है बहुत ज्यादा। देखिए एक अलग इमेज के द्वारा भी मैंने आपको इसको दिखाने की कोशिश करी है, रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, दिस इज योर वीजीए पोर्ट। वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द फुल फॉर्म नंबर वन। सेकंड, कनेक्ट मॉनिटर, यानी मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीजीए पोर्ट का यूज किया जाता है। जैसे टेलीविजन के केस में भी अब तो वीजीए नहीं यूज करते हैं ना, अब तो HDMI यूज करते हैं हम लोग, तो पहले के टाइम पर वीजीए का यूज होता था मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, क्लियर है, लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए। कैरीज एनालॉग सिग्नल, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं करता, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं करता। आंसर है वीजीए पोर्ट, ये सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ही कैरी करता है। ठीक है, आगे देखिएगा ये कितने पिन का है, तो आंसर है ये 15 पिन का पोर्ट होता है, दिस इज ऑफ 15 पिन। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एक तो मैंने आपको बताया कि ये डिजिटल सिग्नल को कैरी नहीं करता, दूसरा वर्स पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मॉनिटर पर जो है वो एक तरीके से वीडियो आउटपुट करने का काम करता है, तो इसका मतलब इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत खराब होती है, और नॉट सपोर्ट ऑडियो, ये ऑडियो को भी सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब कि इसके बाद वाली जो टेक्नोलॉजी होगी वो पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही होगी, लेकिन अगेन वो ऑडियो को सपोर्ट नहीं कर रही होगी। तो इसका मतलब वीजीए के बाद में वीजीए को एडवांस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आई दैट इज कॉल्ड एज DVI, बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट तरीके का जो पोर्ट है वो है आपका DVI पोर्ट। अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले पोर्ट में जो प्रॉब्लम्स आई थी उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि ये अगेन आपका वीडियो पार्ट को रिजॉल्व नहीं करता है, लेकिन हाँ पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्लियर है। DVI का मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, यानी इसने एक प्रॉब्लम को और सॉल्व किया कि एनालॉग के साथ साथ डिजिटल सिग्नल को भी यूज करना शुरू किया और पिक्चर क्वालिटी को बहुत बेहतर बना दिया, इसलिए कहीं कहीं पर आपको DVI पोर्ट का यूज बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसी सीपीयू में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ DVI पोर्ट गिवन है, राइट, वेरी गुड। आगे देखते हैं तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लेते हैं एक बार। DVI जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको जरूर याद रखिएगा। डिजिटल वीडियो नहीं है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, क्लियर। कनेक्ट मॉनिटर्स, यानी अगेन वही काम करता है जो अभी आपके प्रीवियस वाला पोर्ट कर रहा था है ना, यानी ये भी मॉनिटर्स को ही कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कैरीज डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, यानी डिजिटल के साथ साथ एनालॉग सिग्नल का भी ये यूज करता है, राइट। आगे देखिएगा पिंस 19 भी हो सकती हैं और 25 पिंस का भी ये हो सकता है, 19 एज वेल एज 25 पिंस। ड्रॉबैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वही है इसने पिक्चर क्वालिटी को तो बहुत बेहतर बनाया लेकिन अगेन ऑडियो को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ वीडियो को सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब कि इसके बाद वाली टेक्नोलॉजी जो होगी
उसने पिक्चर क्वालिटी पर काम नहीं किया होगा, उसने काम किया होगा मेनली किस पे, ऑडियो और वीडियो दोनों पर। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब बिल्कुल सही आप समझे कि DVI पोर्ट के बाद में जो टेक्नोलॉजी आई वो थी आपकी HDMI, यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI पोर्ट। वेरी गुड, क्लियर है? तो अब आ चुका है आपका HDMI पोर्ट, यानी इसका बेसिकली काम क्या था, एक बेटर क्वालिटी का आउटपुट शो करना। लेकिन बेटर क्वालिटी का आउटपुट तो DVI भी शो कर रहा था, तो क्या DVI के आउटपुट में और HDMI के आउटपुट में कोई अंतर है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, दोनों की पिक्चर क्वालिटी बराबर की है। तो सर फिर अंतर कहां पर है? अंतर आप समझ गए हैं शायद, यानी DVI के केस में है ना, वहां पर सिर्फ डिजिटल वीडियो विजुअल की बात हो रही थी, यानी यहां पर आपका HDMI के केस में ऑडियो के साथ साथ वीडियो यानी दोनों मोड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देख लेते हैं एक बार, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दिस इज दी फुल फॉर्म ऑफ HDMI। और इमेज के थ्रू आप देख ही रहे होंगे कि आपकी जो टेलीविजन सेट है, जो स्मार्ट TV है, उनमें HDMI पोर्ट का ही यूज होता है, और आजकल लैपटॉप्स में भी HDMI पोर्ट का ही यूज होता है, जिसके थ्रू आप लोग अलग अलग काम करते हैं, आप लोग प्रिंटर भी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो वो HDMI पोर्ट ही है। वेरी गुड, कैरीज ऑडियो प्लस वीडियो, यानी ऑडियो वीडियो दोनों के लिए, है ना। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पर करते हैं, यानी अगर आपको कोई सपोज अगर हम बात करें, आपको प्रेजेंटेशन शो करनी है ना, वहां पे प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, तो प्रोजेक्टर के केस में, क्योंकि प्रिंटर के केस में तो USB भी सपोर्ट कर लेता है ना, पहले प्रिंटर के केस में HDMI यूज होता था, लेकिन बाद में प्रिंटर के केस में नॉर्मल USB का यूज शुरू हो गया, लेकिन प्रोजेक्टर के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर HDMI पोर्ट का ही यूज देखने को मिलता है। तो इट मींस बिकॉज इट कैरीज बोथ ऑडियो एंड वीडियो मोड, दैट इज द प्लस पॉइंट इन द HDMI मोड। पिंस कितनी होती हैं? 19 पिंस होती हैं। यूज टू कनेक्ट, क्या क्या कनेक्ट किया जा सकता है? HDTV, प्रोजेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, DVD प्लेयर हो या ब्लूरे प्लेयर हो, इन सभी को कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पावर कनेक्टर। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, और ये पावर कनेक्टर कहां पर गिवन रहता है, बेसिकली ये पार्ट आपका CPU में होता है, यानी कैबिनेट में गिवन होता है, जिसका काम होता है पावर प्रोवाइड करना, है ना। इसको पावर सप्लाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और आप जानते हैं कि जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, यानी करंट की बात करते हैं। तो DC या AC करंट को फ्लो करवाने के लिए पावर कनेक्टर यानी पावर सप्लाई या पावर कनेक्टर का यूज किया जाता है। वेरी गुड, आगे देखिए, पावर कनेक्टर कैन ईदर एन ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, है ना। अब ये करंट आपका, क्योंकि SMPS की जब हम बात करते हैं, जब हम पावर कनेक्टर की बात करते हैं, तो आजकल के टाइम पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पर काम करता है। तो आंसर होगा, इट इज अ कनेक्टर दैट परफॉर्म्स ऑल्टरनेटिंग और वी कैन से अ डायरेक्ट करंट। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर LAN पोर्ट की, जिसको ईथरनेट पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। LAN पोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईथरनेट पोर्ट, और ये बनता है आपके एग्जाम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कि ईथरनेट पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आंसर होता है लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, यानी LAN पोर्ट। LAN पोर्ट आप लोग ने कई जगहों पर देखा होगा, लैपटॉप्स में LAN पोर्ट गिवन होते हैं, वहां आपने देखा होगा, एज वेल एज आपने राउटर के केस में देखा होगा, स्विच के केस में देखा होगा, जितनी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं वहां पर आपके LAN पोर्ट्स गिवन होते हैं, या फिर सर्वर के केस में भी आपने देखा होगा कई सारे LAN पोर्ट्स गिवन होते हैं। तो अगर आपको वाईफाई मोड से नहीं, आपको केबल मोड से अगर नेटवर्क को चलाना है, इंटरनेट को चलाना है, तो इसका मतलब कि आपको ईथरनेट पोर्ट का यूज करना होगा। और क्या आप में से कोई बता सकता है कि ईथरनेट पोर्ट में जो केबल के आगे जो कनेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं?
केबल आप सबने देखी होगी, लैंड केबल, और उसके आगे कनेक्टर गिवेन होता है, उस कनेक्टर को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल धीरज, साहिल, रवीना, कृष्णा, वेरी गुड। हाँ, 802.3, ये तो आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड हो गया है ना, जो ईथरनेट के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड रवीना। लेकिन क्वेश्चन है मेरा कि उस कनेक्टर को क्या कहते हैं? द कनेक्टर विच इज यूज इन दी लोकल एरिया नेटवर्क केबल इन अ लैन केबल इज कॉल्ड डैश। वेरी गुड, तो सबसे तेज आंसर दिया है रवीना जी ने, बिल्कुल सही है। आंसर है RJ45 केबल या RJ45 कनेक्टर, इसीलिए उस केबल को RJ45 केबल भी कह देते हैं। और वो जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर RJ45 होता है, जिसका जिसकी फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45। RJ का मतलब रेडियो जॉकी नहीं है, रजिस्टर्ड जैक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया साहिल, गुड वन। ईथरनेट कनेक्शन इज फास्टर देन अ वाईफाई। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या सर लैन कनेक्शन ज्यादा फास्ट होगा या वाईफाई इनेबल करके जो कनेक्शन होगा वो ज्यादा फास्ट होगा? तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि केबल वाले कनेक्शन हमेशा वाईफाई कनेक्शन से क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो केबल कनेक्शन यानी लैन कनेक्शन या ईथरनेट कनेक्शन फास्ट होगा व्हेन वी कंपेयर द सेम फ्रॉम द वाईफाई कनेक्शन यानी वायरलेस फिडेलिटी कनेक्शन। अगला देखिएगा, जो केबल यूज होती है और केबल में जो कनेक्टर यूज होता है, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था है ना, दिस इज RJ45 कनेक्टर और RJ की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक। गुड वन। हाँ बिल्कुल सही, RJ11 का यूज टेलीफोन में करते हैं, जैसे लैंडलाइन का जो आपका फोन होता है ना रवीना, बहुत बढ़िया आपने बात लिखी है यहाँ पर। तो जो लैंडलाइन के जो फोन्स चलते हैं उनमें भी एक कनेक्टर लगता है और वो कनेक्टर RJ11 होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पिन्स, कितने पिन का ये होता है? तो आंसर है ये 8 पिन का पोर्ट होता है, तो दिस इज ऑफ 8 पिन। नेक्स्ट, अब बात करेंगे यहां पर ऑडियो पोर्ट के बारे में है ना। ये पोर्ट भी आपने देखा होगा, लैपटॉप में भी गिवन होता है बैक साइड में, कभी साइड में गिवन होता है पैनल में, और आपके CPU यानी अगर हम बात करें CPU के पूरे फिगर में, वहां पर भी बैक साइड में ये गिवन होता है ना। तो आपने देखा होगा ये 3 आपको होल्स दिखते हैं है ना, इन 3 होल्स का क्या मतलब है जरा बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ऑडियो पोर्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर वॉइस इनपुट को कनेक्ट करने के लिए या वॉइस इनपुट को लेने के लिए, ये 3 तरीके के पोर्ट्स यूज होते हैं जिनको ऑडियो पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, पहला तो ये, इनके कलर्स काफी इंपॉर्टेंट है कि किस कलर का पोर्ट किस पर्पस से यूज किया जाता है। यानी अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो किस तरीके के पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, स्पीकर कनेक्ट करना है तो किस तरीके के पोर्ट से करेंगे, और इनपुट वाला जो पोर्ट होता है वो किस कलर का होता है, जिनको हम ऑडियो पोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको केबल भी दिखाई दे रही है, यानी ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की और पिंक कलर की है ना, जो कई बार रेड कलर की भी दिखती है लेकिन RGB नहीं है, ये पिंक कलर की होती है। तो पिंक कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये 3 कलर के ही पोर्ट होते हैं और ये 3 कलर की ही केबल होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपकी ब्लू केबल, यानी ब्लू कलर का जो पोर्ट है जिसमें ब्लू केबल लगती है, ये आपके ऑडियो इनपुट के लिए यूज होती है। यानी यहाँ से आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपकी ऑडियो जो है वो एज अ इनपुट पहुँचती है, तो ये ऑडियो इनपुट है। सेकेंड जो है वो है हेडफोन, यानी जहाँ से आपको आवाज आती है वो है हेडफोन, तो ये है आपकी ग्रीन कलर की, राइट। तीसरी केबल है जो आप बोलते हैं, यानी माइक जो आप बोलते हैं उसके लिए, तो ये है आपकी पिंक कलर की, ठीक। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि पिंक माइक्रोफोन, ग्रीन हेडफोन और ब्लू एज अ ऑडियो इनपुट के तरीके से यूज होता है। क्या ये क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप लेके बता दीजिए सर यहां तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। विक्रांत, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बढ़िया। देखो इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने से क्या फायदा होगा, इन टॉपिक्स को पढ़ने से ये फायदा होगा डायरेक्टली, जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया आपको, जैसे इसके पहले वाले मैंने कई सारे आपको टॉपिक्स पढ़ाए, इससे इंडिविजुअल ये फायदा होगा कि सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इसलिए 100% प्रिपरेशन करके हमको चलनी है, इसलिए इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने का ये डायरेक्ट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। वेरी गुड, अब आगे देखिए, नेक्स्ट तरीके का जो पोल्ट है दैट इज कॉल्ड यूएसबी पोल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोल्ट। आपने अभी तक ये देखा कि जितने भी स्टार्टिंग वाले पोल्ट्स की हम बात कर रहे थे, उन सबको यूएसबी पोल्ट ने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना, बदल दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो पोल्ट है वो कौन सा है, यूएसबी पोल्ट। यूएसबी पोल्ट ने किस किस तरीके के पोल्ट को बदला, तो आप कह सकते हैं सर पैरेलल पोल्ट को बदल दिया, सीरियल पोल्ट को बदल दिया, एप्पल के द्वारा बनाए हुए SCSI पोल्ट को बदल दिया, है ना। तो इन सभी पोल्ट्स को एक तरफ से इसने रिप्लेस कर दिया और इन सभी की जगह पर एक पोल्ट आ गया। देखो पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, पहले समझ में ही नहीं आता था कि किस तरीके की डिवाइस के लिए किस तरीके का पोल्ट का यूज करें, और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को भी इसको बनाने में काफी ट्रबल होती थी, क्योंकि जिसने पोल्ट बना लिया अब उस पर उसका कब्जा हो गया। जैसे सपोज करिए एप्पल ने SCSI पोल्ट बनाया, तो अब अगर किसी को SCSI पोल्ट का यूज करना है तो वो एप्पल से खरीदेगा, यानी उसके लिए पेमेंट देगा, तो इससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो रही थी वो काफी बढ़ रही थी, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी अलग अलग हो रही थी। अब जैसे IBM ने सीरियल पोल्ट बनाया, फिर IBM ने ही पैरेलल पोल्ट बनाया, यानी अब जिस भी कंपनी को लैपटॉप बनाना था वो क्या कर रहा था, IBM से पोल्ट खरीद रहा था, उनकी टेक्नोलॉजी को ले रहा था और उनको पेमेंट कर रहा था। तो प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा थी, और आप देखिए कि पहले जो लैपटॉप मिलते थे वो कितने कॉस्टली होते थे, ये एक सबसे बड़ा रीज़न था उसके पीछे। लेकिन अब क्या हो गया, अब USB आ गया, यूनिवर्सल सीरियल बस आ गया, जो हर एक डिवाइस में इस्तेमाल होती है, और इसके लिए कॉमन इंडस्ट्री हो गई जिसने कहा कि हम बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको ये पोल्ट का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसको बनाने वाले के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी USB टेक्नोलॉजी किसने बनाई, इंडियन ने बनाई, और वो पर्सन है आपके मिस्टर अजय भट्ट, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन, बेसिकली इंडिया को ये यहाँ से काफ़ी फायदा हुआ, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, है ना, क्योंकि जो IBM जैसी कंपनीज थी वो अमेरिका जैसी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा रही थी, और अगेन एप्पल भी आप जानते हैं अमेरिकन है, है ना, तो यहाँ से भी एप्पल को काफ़ी लॉस हुआ। और आगे चलकर SCSI को एप्पल ने भी छोड़ दिया और वो भी USB पे स्विच हो गई, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि USB किस ईयर में आई, तो आंसर है 1996 में USB को इंट्रोड्यूस किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो आंसर है फाउंडर है मिस्टर अजय भट्ट, इनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर ऐसा नहीं है कि अजय भट्ट जी ने एक बार बनाया और फिर ये बैठ गए, इन्होंने लगातार इस पर काम भी किया, क्योंकि आप देख सकते हैं USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, है ना, और इसके बाद लगातार USB 3.3 भी आने को तैयार है, जिसे USB 4.0 के नाम से जाना जा सकता है, है ना। तो ये USB बेसिकली क्या है, ये लगातार इम्प्रूवमेंट का ही देन है। अब जैसे जैसे USB बढ़ी, यानी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे स्पीड में भी इन्हेंसमेंट हुआ। जैसे USB 1.0 से 1.1 में जो स्पीड है वो बढ़ गई, फिर 1.1 से 2.0 में स्पीड बढ़ गई, यानी डेटा ट्रांसफर रेट यहाँ पर लगातार बढ़ता चला गया। 3.0 और 3.1 एक ऐसा वर्जन था जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और वो बदलाव ये हुआ कि 3 पोल्ट, यानी USB 3 पोल्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें दोनों साइड से आप USB को एंटर कर सकते हैं, यानी आप पेन ड्राइव को दोनों सिरे से, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये देखने को देखा जाता है कि कस्टमर को ये प्रॉब्लम होती थी कि पेन ड्राइव को कैसे इंसर्ट करें, है ना, कई बार वो करता था, फिर निकाल के फिर दोबारा करता था,
इस तरीके से यूएसबी पोर्ट भी डैमेज हो जाया करते थे, इसलिए 3.0 को बैकवर्ड और फ्रंट तरीके से इंसर्ट करने के लिए बनाया गया, और ये काफी बड़ा योगदान था यहाँ पर 3 के लिए, यूएसबी 3 के लिए। अलग अलग कलर किस को बनाया गया ताकि डिफरेंस भी पता चले कि 1.0 और 2.0 में क्या अंतर है, 3.0 और 3.1 में क्या अंतर है। तो इसको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से दिया गया, और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार कलर्स पर भी बात कर लेते हैं, यही एग्जाम में आता है ना, और ये कई बार इंटरव्यू लेवल पे भी पूछा जाता है। तो किसी ने अगर कॉलेज लेवल पे कभी इंटरव्यू दिया हो है ना, तो ये बहुत फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन भी रहता है, और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी फेवरेट क्वेश्चन है। यूएसबी 1.0 व्हाइट कलर की होती है, यूएसबी 2.0 ब्लैक कलर की होती है, ठीक, पहला पॉइंट। यूएसबी 3.0 इसका कलर आपका ब्लू होता है ना, तो ये पहचान है। और एग्जाम में कई बार मतलब ये इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कलर से कैसे आप पहचान करके बता पाएंगे कि ये यूएसबी 3.0 है, तो आंसर है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद जो 3.1 है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, इसका कलर है टील ब्लू। टील ब्लू का मतलब होता है ब्लूइश ग्रीन, तो कुछ कुछ आसमानी कलर का होता है ना, जिसे टील ब्लू कलर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लूइश ग्रीन। ये यूएसबी 3.1 को इंडिकेट करता है, क्लियर है यहां तक, आगे बात करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाल ही के एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ये है यूएसबी स्लीप एंड चार्ज पोर्ट, शायद आपने सुना नहीं होगा आज से पहले, देखा जरूर होगा आपने, येलो कलर का पोर्ट, ऑरेंज कलर का पोर्ट या रेड कलर का पोर्ट। अगर ऐसा पोर्ट आपको किसी भी डिवाइस में दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये यूएसबी स्लीप और चार्ज पोर्ट है। अब आप पूछेंगे कि सर स्लीप और चार्ज पोर्ट का मतलब क्या है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक ऐसा पोर्ट जो कंप्यूटर के या लैपटॉप के शटडाउन होने पर भी काम करे, दिस इज कॉल्ड स्लीप चार्ज पोर्ट। समझ गए बात को, यानी लैपटॉप आपका बंद है, मोबाइल आपका बंद है, लेकिन फिर भी वो फंक्शन कर रहा है उसका वो पोर्ट चार्जिंग के लिए, तो ऐसा जो पोर्ट है दैट इज कॉल्ड यूएसबी स्लीप एंड चार्ज पोर्ट, और ये येलो ऑरेंज और रेड कलर से इंडिकेट होता है। चार्ज फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ है उस केस में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज यूएसबी स्लीप एंड चार्ज पोर्ट, वेरी गुड। तो ये बात हो गई यूएसबी के बारे में भी, आपको समझ में आ गया किसने बनाया यूएसबी, वेरी गुड, मिस्टर अजय भट्ट जी के द्वारा। अब बात करेंगे यहां पर साटा और पाटा की। कई बार आपने सुना होगा बोलते हुए कि ये साटा की हार्ड डिस्क है, ये पाटा की हार्ड डिस्क है ना, अगर आपके पास में कंप्यूटर हो, और बहुत पहले समय में अक्सर यही बोला जाता था, अब भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसी हार्ड डिस्क चाहिए जिसमें साटा का यूज होता है, या साटा हार्ड डिस्क या पाटा हार्ड डिस्क। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क साटा और पाटा की नहीं होती, इसमें जो केबल अटैच होती है, जो अटैचमेंट है, वो बेसिकली साटा और पाटा होता है, यानी जो कनेक्टर है, जो बोल्ट है, वो साटा और पाटा होता है, हार्ड डिस्क आपकी साटा पाटा नहीं होती, यानी इन केबल्स को जो सपोर्ट करती है वो साटा होती है, और इन केबल्स को जो सपोर्ट करती है वो पाटा होती है। तो साटा पाटा में कॉमन क्या है, आटा, बाकी एस और पी तो अलग अलग है। चलिए बात कर लेते हैं कि साटा क्या है और पाटा क्या है। तो आपकी स्क्रीन के सामने दो इमेजेस दिख रही हैं, पहली जो इमेज है वो साटा है और दूसरी जो इमेज है वो पाटा है। पहली इमेज साटा है, दूसरी इमेज पाटा है। अब आप पूछेंगे कि सर प्रेजेंट टाइम में कौन सा यूज हो रहा है, क्या दोनों यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, या दोनों में से कोई एक यूज हो रही है, है ना, तो आंसर है प्रेजेंट टाइम में साटा का यूज हो रहा है, पाटा का यूज बंद हो चुका है, ठीक, यानी पाटा को रिप्लेस कर दिया है किसने, पूरे तरीके से साटा ने, तो आजकल साटा साटा ही चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बात। सो हेयर इज द फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड फॉर कनेक्शन इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी साटा हो या पाटा हो, इसका
जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट, हार्ड डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो, यानी ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी और डीवीडी के लिए भी इंटरनल पार्ट में साटा और पाटा का ही यूज करते हैं, और आजकल किसका यूज करते हैं, साटा का। साटा की फुल फॉर्म क्या है, देखो एटीए की फुल फॉर्म है अटैचमेंट, या आप कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हो गई आटा। साटा का मतलब क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा का मतलब क्या है, सीरियल की जगह आ जाएगा पैरेलल, तो ये है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन सीरियल और पैरेलल में कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो प्रायोरिटी दी गई है, यहां पर जो स्पीड ज्यादा है वो किसकी है, साटा की है, इसलिए यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है साटा, और पाटा बाय बाय कह चुकी है, यानी अब यूज नहीं होती। तो विच इज यूज नाउअडेज, आंसर इज साटा, और साटा में कितनी पिन होती हैं, तो आंसर है 15 पिन होती है, ठीक, बिल्कुल सही। यहां पर कृष्ण कुमार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि यहां पर सीरियल जीत गया और पैरेलल हार गया, है ना, देखो इसके पीछे एक रीजन है। वैसे तो पैरेलल जो है ना, इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो बनाई गई थी ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, है ना, जो काफी प्रॉब्लम आती थी ट्रांसफर करने में, ट्रांसफर रेट भी ज्यादा था लेकिन ट्रांसफर करते 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 ड्रॉप हो जाया करता था, है ना, तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी पाटा के साथ में, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया। अभी भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना, लेकिन मैक्सिमम केस में अब साटा ही यूज की जाती है। वेरी गुड, आगे देखो, साटा और पाटा, इसमें एक चीज आपको और देखने को मिलती है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, आईडीई कनेक्टर। अब ये आईडीई कनेक्टर क्या है, अगर यहां पर आप तस्वीर से थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी प्रीवियस वाली किसी तस्वीर से क्या ये तस्वीर मैच कर रही है, बिल्कुल ये मैच कर रही है, और ये किस तस्वीर से मैच कर रही है, तो आंसर है पाटा से ये मैच कर रही है, है ना, किससे मैच कर रही है, पाटा से मैच कर रही है जो अब यूज नहीं होती, यानी पाटा को आईडीई कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है, आईडीई कनेक्टर को पाटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस टेक्नोलॉजी को पाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब कि एग्जाम में आईडीई कनेक्टर पूछें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब है पाटा। वैसे तो ज्यादातर इसकी फुल फॉर्म ही देखने को मिलती है, और दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि आईडीई कनेक्टर इज कॉल्ड एज, तो ऑप्शन में दिया होता है पाटा, साटा, यूएसबी, है ना, इस तरीके से, तो आंसर क्या होगा, पाटा होगा। कनेक्ट हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव, बिल्कुल आपने देखा कि इसका यूज भी किसके लिए करते थे, हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क को कनेक्ट करने के लिए साटा का और पाटा का यूज करते हैं, तो सेम एज विद द केस ऑफ आईडीई कनेक्टर, क्लियर है। पिंस आप देख रहे हैं इमेज में दिखाई जा रही है कि 34 पिंस और 40 पिंस के साथ में अवेलेबल था, जो अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अजय कुमार जी कह रहे हैं 55 मार्क्स बने हैं एग्जाम में, और जनवरी से इन्होंने देखना शुरू किया है, है ना, तो विद इन 2 मंथ्स यू हैव स्कोर्ड अ मच बेटर मार्क्स, कॉन्ग्रेट्स बडी, वेरी गुड, ठीक है। पाटा स्टैंड्स फॉर क्या है, एक पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना, तो पाटा देखो हमने अभी आपको पहले भी बताया था, पाटा मतलब क्या है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आखिरी पोल्ट की, जिसका नाम है SCSI पोल्ट, और अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही SCSI पोल्ट के बारे में आपको बताया था, आपको हमने बताया था जिस समय हम पैरेलल पोल्ट की बात कर रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि एप्पल जो है वो पैरेलल टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड एक पोल्ट बनाया उसने, जिसका नाम उसने पैरेलल पोल्ट ना रखकर SCSI पोल्ट रखा, राइट, और ये कैसे दिखता था, है ना, ये आपके सामने गिवन है, यानी अब अगर प्रिंटर कनेक्ट करना हो, हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी हो, या कुछ भी कनेक्ट करना हो एप्पल की डिवाइसेस में,
तो SCSI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था एप्पल के द्वारा, जिसको आगे चलकर एप्पल ने भी ड्रॉप कर दिया और इसकी जगह पर यूएसबी को ऑप्ट कर लिया। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। SCSI की फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन पर तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है ना, इतना समझ लीजिए आप। कनेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि पैरेलल के केस में होता था कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब वो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या थी? प्रिंटर था। और यहां पर भी कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एज एन इंटरफेस के तौर पर SCSI का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, यूज्ड बाय हुम, किसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया? तो आंसर है एप्पल कंप्यूटर्स के द्वारा SCSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारे पोल्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से आपको समझाया कि पोल्ट्स दो तरीके के होते हैं, है ना, एक बार रिकॉल करते हैं क्विकली। पोल्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक वर्चुअल पोल्ट होता है और एक फिजिकल पोल्ट होता है। वर्चुअल पोल्ट का इस्तेमाल नेटवर्किंग के केस में किया जाता है और फिजिकल पोल्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर्स में एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ने पूरी लिस्ट देखी जहां पर वर्चुअल कनेक्टर्स का यूज हुआ था, है ना, कैसे वर्चुअल पोर्ट्स का यूज हुआ है इन और आउट करने के लिए डेटा को इंटरनेट पर, और यहां आपने देखा कि किस तरीके से फिजिकल पोर्ट का यूज होता है पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए, है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इन पोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और एज वेल एज और भी कोई क्वेरी है आपकी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, है ना। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। लाइव सेशन की टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, डेली 7 o'clock पे, 7 PM पे ये सेशन लाइव कंडक्ट होता है। बहुत सारे सेशन कंडक्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, एज वेल एज वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको पर्टिकुलर एक एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।